दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक बेकाबू ट्रैक्टर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर में बाइक पर बैठे दो नाबालिगों की मौत हो गई, जबकि एक आदमी गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। भूस की गाड़ी थी जिसने टक्कर मारी है, बड़े छोटे भाई के दोनों लड़के हैं। अच्छा, और कोई घायल भी हुआ इसमें? हाँ, अभी चाचा घायल हुए, उनके रीढ़ में 4 फ्रैक्चर है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी से सर्दी और ज्यादा बढ़ गई है। रास्तों से बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। तो पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है, मुसीबतें लगातार आ रही हैं। भले ही क्रेन की मदद से रास्तों को साफ किया जा रहा हो, यानी रास्तों पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा हो, लेकिन बावजूद इसके लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से रास्ते अभी भी जाम हैं। कई इलाके ऐसे हैं जिनका मुख्य इलाकों से संपर्क टूट गया है और लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए खासतौर पर काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है। ये तस्वीरें देखिए, क्रेन की मदद से लगातार वहां पर जमी सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने की कोशिश की जा रही है। मौसम विभाग का पहले ही प्रेडिक्शन था कि आने वाले दिनों में, और 26 तारीख तक का ये प्रेडिक्शन था कि पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों में भी बारिश की चेतावनी दी गई थी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी सुबह से भारी बर्फबारी हो रही है। नारकंडा में लगातार बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए हैं और पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। शिमला हिमाचल की राजधानी और यहाँ पर तमाम जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर भारी बर्फबारी हो रही है। नतीजा ये कि सैलानी जो यहाँ पर छुट्टियाँ बिताने गए थे वो रास्तों में ही फंसे हुए हैं, जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं, क्योंकि कई रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, सड़क संपर्क टूट चुका है, क्योंकि सड़कों पर भारी बर्फ जमी हुई है। यूपी के प्रयागराज में तेज बारिश के साथ आज ओले गिरे हैं। पिछले कई दिनों से मौसम साफ था, लेकिन आज सुबह अचानक मौसम खराब हो गया और बारिश के साथ ओले गिरे। प्रयागराज में इस वक्त तेज बारिश हो रही है और बारिश के साथ में ओले भी पड़ रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है और ऐसे में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि पिछले कई दिनों से मौसम काफी साफ था, धूप निकली हुई थी और गर्मी का एहसास हो रहा था लोगों को, लेकिन एक बार बारिश और ओले की वजह से सर्दी की शुरुआत दोबारा हो जाएगी और ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। और हालांकि लोगों को दिक्कतें भी इस बारिश की वजह से होंगी, क्योंकि इस समय हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं प्रयागराज कुंभ मेले में। फिलहाल इस समय बारिश के साथ में यहां पर ओले पड़ रहे हैं। हालांकि दिल्ली में बारिश जब हो रही थी तो यहां पर मौसम साफ था। कैमरामैन नकुल शर्मा के साथ रवि सिंह, प्रयागराज, न्यूज 18 इंडिया।